क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप दूसरे के साथ कंपेयर करोगे ना, मिलाओगे ना, तो आपको लगेगा बिल्कुल सेम है क्वेश्चन ये, लेकिन सेम नहीं है ये, इनमें थोड़ा फ़र्क है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पकड़ता हूँ दोबारा। एक ट्राइंगल बनाना था ए बी सी, जिसमें बी सी दिया था और एंगल बी दिया था और ए बी और माइनस ए सी, मतलब यहाँ पे ए बी जो था वो ए सी से बड़ा था। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये ए बी और ए सी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो कौन बड़ा है? ए बी बड़ा इसलिए है क्योंकि ए बी में से कुछ माइनस कर रहा हूँ तो आंसर जो है प्लस में ही आ रहा है। दैट मीन बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर रहा हूँ तो ए बी जो है वो क्या बड़ा, ए सी छोटा, इधर कुछ और है। इधर देखो ट्राइंगल पी क्या हुआ आ रहा है, तो क्यू आर 6 सेंटीमीटर, क्यू 60 डिग्री, तो यहाँ पे पी क्यू पी आर से बड़ा होने के बजाय क्या पी आर बड़ा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर ऐसा होता ना यहाँ पे पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तब तो डिट्टो यही क्वेश्चन होना था, लेकिन यहाँ पे पी क्यू क्या छोटा निकला, पी आर बड़ा निकला, इसलिए इसमें थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। क्या चेंज आएगी वो देख लो, अभी आपके सामने करने लगा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या करेंगे, क्यू आर ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हमने क्यू आर ले लेना, क्यू आर फिर क्यू पे 60 डिग्री का एंगल है, ये बनाया मैंने 60 डिग्री का एंगल, ये पहला आर की क्या होता है 60 डिग्री का होता है ये, ठीक है। अब देखो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था हम, बस ऐसे ही आर्क लगाते, ऐसे ध्यान से सुनना इस स्टेप को, ऐसा कर देते थे। अब आपने क्या करना है, इसको ना उल्टी तरफ नीचे भी बढ़ाना है, ठीक है, ऊपर भी बढ़ाया और नीचे भी आपको बढ़ाना है, ऐसे, समझ आई बात। अब देखो जो डिफरेंस दिया था, दोनों का डिफरेंस क्या दिया था, पी आर माइनस पी क्यू कितना 2 सेंटीमीटर, इसको कंपास को 2 सेंटीमीटर खोलेंगे, कंपास के पिन रखूँगा क्यू पे, पहले हम ऐसे ऊपर आर्क लगाते थे, अब क्या करना है ये नीचे जो आपने एक्सटेंड किया हो ना उस पे आर्क लगाना है, ये नीचे, तो इधर लिख देना ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको मिला देना आपने, ये मिला दिया, ठीक है। अब ये आपको एक रे दिख रही होगी, इसका कोई भी नाम दे दो, क्या नाम दोगे इसका, दे दो हाँ एक्स नाम दे दो इसका, हो सकता है इसको कहीं बढ़ाना नहीं पड़े, इसका मैं नाम बाद में दूंगा, इसका नाम पी अभी अपने आप बाद में बनेगा, इसका नाम कुछ भी दे दो, ए नाम दे दो चलो। अब क्या करना है आपने, सिर्फ ए आर को दिमाग में रखना है, ए आर, और इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर निकालना है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के पहले आर पे रखा ये आर्क अब ए पे रखना है, ऐसे ऊपर आर्क और फिर नीचे, आर्क छोटा पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा लो इसको ये ऐसे। अब ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर वाली लाइन आपने ड्रा करनी है इस तरह से, और देखना इसने ये वाली जो रे थी, अब मैं इसका नाम दे दूंगा, वाई दे दो नाम इसका, इसको कहाँ पे काटा, इसको काटा इस पॉइंट पे, जिसका नाम आपने रखना है पी नाम रखना है। अब क्या करना है, पी और आर को मिला देना है, पी और आर को मिला दोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो आपको चाहिए था वो आपके सामने बन जाएगा। कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर, जिसमें अगर आप क्या करोगे पी आर में से पी क्यू माइनस करोगे तो वाकई में वो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा, ये लगभग कोई 5 के बराबर आ रहा है, वो ये 3 के आसपास आ रहा है।
दोबारा देख लेते हैं, ये फाइव के फाइव से बड़ा ही आ रहा है, एक मिनट देखता हूँ मैं दोबारा। फाइव पॉइंट थ्री आ रहा है ये पी आर, ठीक है पी क्यू देखते हैं अभी। ये भी देख लो भाई, थ्री पॉइंट थ्री और फोर के बीच में, मतलब कि थ्री पॉइंट थ्री ही ले सकते हो इसको। तो जब आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, टू आ रहा है, टू पॉइंट ज़ीरो, यही तो आना चाहिए था। तो मतलब हमने जो किया ये सारा ठीक किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था थ्री था। अभी इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, उसको भी देखो आप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने एक ट्राइंगल बनाना है एक्स वाई जेड, जिसमें वाई पे 30 डिग्री एंगल लेना है और जेड पे कितना करना, 90 डिग्री का एंगल लेना है। क्या वाई पे 30 डिग्री और जेड पे 90 डिग्री, और तीनों साइडों का सम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना होना चाहिए, 11 सेंटीमीटर। बहुत पखेड़ा सा बनेगा इस क्वेश्चन में, बड़े सारे आर्क लगेंगे, ध्यान नहीं दिया, स्लिप हुआ तो फिर नहीं समझ आएगी, इसलिए ध्यान से इसको समझना आपने। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो तीनों साइडों का सम था ना, उतनी ही लंबी एक लाइन ले लेंगे हम। कितना था वो, 11 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 11 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ले लेंगे। एक लाइन सेगमेंट ले ली मैंने 11 सेंटीमीटर। पेन यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा डार्क बने। नाम शाम बाद में देते हैं इसके। अच्छा, y पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का। इधर y शायद तो कोई है ही नहीं है, एंड में बनेगा ये। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, कितने का कहा था, 30 का कहा था ना, लेकिन 30 का नहीं बनाना है आपने। तीस डिग्री का आधा कर देना है। तीस का आधा कितना होता है, कितना होता है, 30 का आधा 15 डिग्री होता है ना, तो 15 डिग्री का एंगल बनाना है। एंड में 30 डिग्री अपने आप ही बन जाएगा। ये देखो, ये 60 का आया, 60 को आधा किया 30, तो 30 आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी क्या कहा, कितना बनाना है, 15 डिग्री का बनाना है। तो यहाँ पे प्रकार के पिन रखोगे, आर्क लगाओगे ऐसे, और फिर यहाँ पे रखोगे इस तरह से, ये बना 15 डिग्री का। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमें 30 डिग्री का चाहिए, वो एंड में ऑटोमेटिकली बन जाएगा, खुद ब खुद बनेगा वो। तो ये एक ऐसे लंबी सी एक आप लाइन लगा दोगे, ठीक है। ये ऐसे आ गई है स्केल हिलने की वजह से। अब दूसरी तरफ आपने एंगल बनाना है 90 का, लेकिन आधा, 90 का आधा कितना होता है, 45, वो बनाएंगे हम। पहले 90 तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो उसका आधा कर पाऊंगा मैं। और 90 का आधा करना, अभी यहाँ पे प्रकार के पिन रखूँगा, 45 का एंगल बना रहा हूँ, और फिर इधर
ये बना 45। 15 डिग्री की जो रे आई थी ये वाले और 45 की रे यहाँ पे मिली, उसका नाम रखो एक्स, नाम रखो एक्स, ठीक है। इसका नाम दे दो अभी, ए नाम दे दो, इसका नाम दे दो बी दे दो। अब ध्यान से सुनो क्या करना है, अपने दिमाग में सिर्फ ए एक्स को रखो, ए एक्स को रखो और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। कंपास को अंदाजे से आधे से ज़्यादा खोला, पहले ये एक्स पे रखा ऐसे आर्क और इस तरह से आर्क, ए पे रखा ये आर्क और ये आर्क, ठीक है। अब क्या करना है, ये इन दोनों को मिला देना है और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ए बी को कहीं भी काटा, यहाँ पे भी काटा, ये काट रहा है ना, इसका नाम रखना है वाई नाम रखना है, ठीक है। अब बी एक्स को दिमाग में रखो, भूल जाओ सारा कुछ, आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलो और आर्क देखो कितने सारे आर्क लगे हुए, लगे हैं ना बड़े सारे, तो इसलिए इस आर्क का ध्यान रखना कि कहाँ पे लगा रहा हूँ। ये आर्क लगाया, ये रखा, बस यही इसमें ध्यान देने वाली बात है, आर्क के चक्कर में उलझ नहीं जाना कहीं। ये लगे हैं आर्क, इधर से ये बना, इधर से ये बना और इसको मिला दूंगा मैं, इसने ए बी को यहाँ कहीं काटा, इसका नाम रखना है जेड। अब ये ट्राइंगल कैसे कंप्लीट होगा, एक्स वाई को मिला देना है और यहाँ से वाई जेड को मिला देना है, तो बन गया आपके सामने ट्राइंगल जिसमें एंगल वाई कितना आना चाहिए था, 60 डिग्री का आना, नहीं 60 नहीं 30 डिग्री का आना चाहिए था, और जेड कितना 90। जेड तो यहाँ पे दिख रहा है भाई 90 है ना, एल शेप बन रही नहीं पूरी, इसको नाप के देख लेते हैं, है आपके पास वो प्रोटेक्टर, वाई देख लेते हैं कितने डिग्री का है, लगभग आ जाए कोई एक आधे डिग्री का कोई फ़र्क हो जाए कुछ नहीं, ये तो एग्जैक्ट आ रहा है पूरा पूरा एक डिग्री का फ़र्क आ रहा है बस, नहीं आ रहा, एक डिग्री का फ़र्क आ रहा है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे 30 का ऑटोमेटिकली बन गया और ये 90 तो दिख ही रहा है आपको, सीधी लाइन बन रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। इसका एक क्वेश्चन अभी और है, उसको अगले वीडियो में करेंगे हम, तो इसको वीडियो को ध्यान से देखना, बीच में पास करके साथ साथ खुद भी रफ कॉपी पे ट्राई करना, तभी आएंगे, नहीं तो नहीं पता चलेगा ये। ओके।